इसके पुरानी कुछ खबरें बता दूं आपको जो हमने आपको बताई थी, है ना। जो दिल्ली वाला कांड चल रहा था, जो बच्ची का कांड जो चल रहा है, जो उसका एक्सीडेंट, उसमें अब एक नई खबर आने लगी। दिल्ली कैंट केस, फॉरेंसिक रिपोर्ट सजेस्ट लीकेज ऑफ करंट इन वाटर कूलर स्ट्रेंथन्स इलेक्ट्रोक्यूशन थ्योरी। तो जो रिपोर्ट अभी जो आ रही है बाहर जो निकल कर, उनमें ये आ रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, वाटर कूलर में आ रहा था करंट, शुरू में बच्ची की माँ ने बताया था करंट से हुई मौत। तो ये बात घूम फिर कर वहीं आ रही है, वापस वहीं आ रही है कि भाई जो मृत्यु हुई वो करंट के लगने से हुई, ऐसा फॉरेंसिक में बताया जा रहा है। तो इन्होंने भी कहीं से इनको सूचना, जैसे हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आती है, ऐसी कोई पर्टिकुलर सरकार की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन अभी शुरुआती जांच में आ रहा है। दूसरी बात, जो गैंगरेप वाली या रेप वाली जो घटना है जिसकी बात की जा रही है, उसकी भी ऐसे सुनने में आया है कि शायद पीएम में उसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। अभी दोनों ही चीज़ें सील कवर में जाएंगी, कोर्ट में जाएंगी, फिर वहाँ से मालूम चलेगा। तो बहरहाल जो इतना सारा और जो नैरेटिव जो चला था, वो एकदम से सब शांत सा थोड़ा होने लगा है, क्यों होने लगा, क्योंकि जो सलीम नाम आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई उस वजह से, है ना। तो वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। खैर, पुष्कर सरन जी के कोलिन से जय श्री राम, धन्यवाद भैया। अग्निश्री एग्री, सुशील कुमार जी भी वेजिटेरियन, हाँ जी बिल्कुल, कई लोग वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या, तो नैरेटिव फेल हो गया तो क्या हो गया, हमें तो अपना नैरेटिव चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो नैरेटिव हम चला कर रहेंगे। नंगल कांड में स्टेज से बोली जा रही ब्राह्मण व हिंदू विरोधी बातें, ब्रह्मा व सरस्वती का दिया जा रहा उदाहरण। अभी अपनी गंद पर आ गए, अपनी असल औकात पर आ गए, है ना। जो वहां पर जो ये गए थे ना बीमार बीमार, ये अपनी असल औकात पर आ गए। इनका बेसिक पर्पज यही है, यही करना इनको देश में, हिंदुओं को गाली देनी है, ब्राह्मणों को गाली देनी है, तमाम सारी चीज़ें चल रही। खैर, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा चिंता इनको हो रही है बच्ची के साथ, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, क्या हुआ है वो तो अभी बाद मालूम चलेगा, लेकिन भाई मृत्यु हुई तो सब जाएंगे भाई। एक और मृत्यु हुई है बच्ची की, हत्या कर किशोरी का शव फेंका, गले में बंधी मिली रस्सी, पुलिस का दावा, गला घोटकर किया मर्डर, रेप की भी आशंका। अच्छा, इधर कोई क्यों नहीं जा रहा, एक मिनट, ओहो, धौलपुर की घटना है, अरे राजस्थान की, यहाँ कैसे जाएंगे भाई साहब, इधर कैसे चले जाएंगे, ना इधर नहीं जा सकते, सॉरी, यहाँ तो जाना मना है, राजस्थान कैसे चले जाएंगे। तो बच्चियों का अगर रेप हो रहा है तो उसमें चूज करके जाएंगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये तो गजब की राजनीति है। हमें तो पता नहीं था कि इस देश के नेता इतने मर चुके हैं, वो ये भी देख के जाएंगे कि हम कौन से स्टेट में जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश है तो जाना है, दिल्ली है तो जाना है, हर रोज की घटना है राजस्थान के साथ, मन में करिए, इतना गुस्सा मत होइए, रोज का घटना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लेवल टू पर आते हैं। मथुरा, महिला ने 10वीं की छात्र के साथ बनाए शारीरिक संबंध, अब धर्मांतरण के लिए बना रही दबाव। अरे बाप रे, ये लवजियाद एक नए लेवल का आ गया भाई, ये लवजियाद 4.0 है। महिला ने 10वीं के छात्र के साथ बनाए शारीरिक संबंध, अब धर्मांतरण के लिए दबाव बना रही है, कमाल है। पीड़ित छात्र का आरोप है कि महिला ने गुरुग्राम बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, इसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वेरी गुड भाई, कमाल है, कहाँ का है। मथुरा जिले में फेसबुक पर अनजान महिला से दोस्ती 10वीं के छात्र को महंगी पड़ गई। कोसी कला के एक गांव निवासी 10वीं के छात्र को गुरुग्राम की दूसरे समुदाय की महिला ने फेसबुक पर दोस्ती का प्रेम जाल में फंसाया, इसके बाद उसे गुरुग्राम ले गई। आरोप है कि महिला ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्र को पिला दिया और उसे शारीरिक संबंध बनाए। महिला अब छात्र पर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का दबाव बना रही। छात्र ने इनकार दे दिया तो उसने दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है शिकायत के बावजूद पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। एसएसपी से भी छात्र ने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद पीड़ित कोर्ट मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अर्जी दी है। भाई, सबसे पहली बात ये समझिए, इसमें पॉक्सो का केस बनेगा, ठीक है ना। इसमें जो केस बनेगा पॉक्सो एक्ट का बनेगा, महिला है और बच्चा जो है वो नाबालिग है। तो जब नाबालिग है इसमें पॉक्सो एक्ट का केस बनेगा, 10वीं का छात्र है, ठीक है। ये पुलिस ने मुकदमा क्यों नहीं लिखा, ये बड़े अपने आप में अचरज वाली बात है। मथुरा पुलिस पर और मथुरा एसएसपी पर इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। थाला कोसी कला के गांव के 10वीं के छात्र ने सितंबर 2020 में गुरुग्राम में महिला से फेसबुक पर दोस्ती करी थी। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे जो कुंवारे लड़के हैं वो एकदम से खुश हो गए होंगे। अच्छा, ऐसा भी है, आप फेसबुक चलाएंगे वहाँ दोस्ती हो जाए, ठीक है भाई, तो देख लेना, बाद में बड़ा लफड़ा हो जाता है, ठीक। छात्र ने बताया तीन बार महिला ने ऐसा किया, उसके बाद लगातार फोन करके बुलाने लगी, उसे मना कर दिया। आप जाने पर दुष्कर्म में फंसाने की धमकी देती है। एक बार तो महिला ने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या में फंसाने की धमकी दे चुकी है। छात्र के पिता ने बताया उसके बेटे को न्याय मिलना चाहिए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि पीड़ित आए थे कोसीकला पुलिस जांच के लिए, कार्रवाई के निर्देश। भाई, जांच के लिए निर्देश चाहिए, ये तो सीधा पॉक्सो का केस है, इसमें तो पॉक्सो की धाराओं में केस सीधे दर्ज होना चाहिए। इसमें जांच वाँच कहाँ से आ गई भाई, ये कब से होने लगा। मेरे ख्याल से जल्दी आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाइए और इस पर मुकदमा दर्ज करवाइए, नहीं तो लड़के को बेचारे को तो परेशान करेगी। नीरज शर्मा जी कहते अरे दादा, अरे नहीं सर, ऐसा हो रहा है सर, ऐसा भी हो रहा है। देखो, मैंने कहा था ना, लड़के जो हैं वो फेसबुक पर पहुँच जाएगी। यहाँ देखो कितने लड़के एकदम खुश हैं, लोटपोट हो रखे हैं बिल्कुल, मतलब वो तो उनकी तो समझो उनकी लॉटरी लग गई। बाद में फंसाने वाली बात कर रही है, रेप में सोच लेना, बाद में मत कहना बताया नहीं था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, वहाँ तो बात अलग है लेकिन घर के अंदर भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर नहीं किया पत्नी का सम्मान तो जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। देखो, एक ही बार पढ़ाऊंगा इसको, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बाकी सारी और जितनी भी हमारे आती ना सारी, वो सब वैसी सारी वीरांगना और वीरांगना हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भैया सम्मान नहीं करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है, मतलब बेसिकली ये किस लिए हुआ है, बेसिकली इसलिए हुआ है कि आपके मन में एक जो है एक द्वेष पैदा करेंगे, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा तो आप जाओ केस करो, सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है, मतलब अपना घर तोड़वा लो। अगर आप केस करोगे कोई जाएगा तब क्या होगा, तब आपका घर ही टूटने वाला है, घर के अंदर कौन सा सम्मान हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, सम्मान बाहर होता है, घर में प्यार होता है। घर में प्यार मिलना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और ऑफिस में सम्मान होना चाहिए, वो हो उल्टा जाता है। अगर घर में सम्मान होता फिर ऑफिस में प्यार होने लगता है, तो परेशान मत होना, ठीक है। तो घर में सम्मान ले लो,
तो प्यार कोई और ले लेगी वहाँ बैठ के, है ना, वो बाल ऐसे करके फिर परेशान होती घूमोगी, ठीक है ना। बिल्कुल प्रोवोकेशन है ये हिंदू घरों को तोड़वाने का प्रोवोकेशन है और कुछ नहीं है। बिल्कुल इन चक्करों में आप कोई ना पड़े, घर में किसका सम्मान होता भाई जरा बताना, मेरा तो बच्चा ही मेरी मजाक उड़ा के चला जाता है, बाकी दूसरों की छोड़ो क्या क्या सम्मान, अपने आप बड़ा होगा उसको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो सम्मान जहाँ मिलना है वहाँ मिलता है, अभी लोग इसको घर के अंदर भी समझ लेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार घर के अंदर बहुत सारी बातें होती, सम्मान माता पिता सबसे बड़े होते हैं उनका होना चाहिए, पत्नी सबसे बड़ी नहीं होती। माता पिता का सम्मान नहीं करो तो जेल जाने का होना चाहिए था प्रोविजन, ये पत्नी के लिए क्यों किया, क्योंकि माता पिता का अगर नहीं भी करोगे कर भी दोगे ऐसा हो भी जाएगा, तो पता माता पिता कभी नहीं आने वाले कंप्लेंट करने, बच्चे की 100 गलतियाँ माफ करते हो, मेरा माता पिता आज तक मेरी गलतियाँ माफ करते, तो उसमें कौन सी नई बात है, हर माँ बाप करते हम भी करेंगे। तो ये जो घर तोड़वाने का जो फरमान उन्होंने दिया ना, इनके चक्करों में कोई ना पड़े, इन बेवकूफ़ी में कोई ना पड़े, ठीक है ना। बिल्कुल इन चक्करों में कोई ना पड़े, क्योंकि अगर आप सम्मान के चक्कर में रहेंगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घर में सम्मान, बिल्कुल माता पिता का सम्मान होना चाहिए, पति पत्नी के बीच सम्मान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच सम्मान कब से आने लगा, ये तो अर्धांगनी वाला मैटर है ना, आधा अंग, तो फिर कैसे, मैं जब दोनों आधे आधे मिलकर पूर्ण बनते हो तो फिर सम्मान कहाँ से आ गया, ये उल्टी सीधी बातें कौन सिखा रहा, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, और सम्मान हमारे ऑलरेडी बहुत दे रखा, देवी का दर्जा, तमाम सारी चीज़ें, सारा ऑलरेडी है, तो उसमें कोई ये जबरदस्ती अंदर से एक ये और करने की आवश्यकता नहीं है कि घर टूटे, एक उकसाने वाली बात है, ये उकसाया जा रहा और कुछ नहीं, इसके चक्कर में कोई ना पड़े। घर के अंदर घुसने लगे, अब बेडरूम में भी घुसेंगे भैया, अरे भैया पता नहीं कल और क्या बता दें। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।